कहना यह है मतलब तो सरकार किसानों के लिए गंडा का रेट भी कम बढ़ा है, जबकि मतलब कम से कम भी 50 भी बढ़ाने चाहिए थे, 10 में ही काम चलाए गए, उसके उसकी भी बात होगी। जो ये किसानों का जो स्वार्थ की रिपोर्ट नहीं बनाई, किसानों को बढ़ाने दिया, इसके लिए गांव कंडेला से हजारों की संख्या में जींद पहुंच रहे। किसान मोर्चा की जींद के अंदर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जो गणतंत्र और संविधान बचाने का उद्देश्य है, किसान और किसानी को बचाने का उद्देश्य है। बेरोजगारी का बड़ा आलम है, सरकार ने गन्ने का 10 रुपये रेट बढ़ाया, बल्कि किसानों की मांग 450-450 रुपये थी। ये बड़ी शर्म की बात है इस सरकार की, किसानों को बेवजह परेशान करती आ रही है लगातार। इसके बाद MSP लखीमपुरी कांड के दोषियों की गिरफ्तारी, कानून बिजली संशोधन कानून है जो वापस लिया जाए और गंडे का रेट 450 रुपये किया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर कंडेला गांव से कंडेला खाप से हजारों की तादाद में लोग रैली में पहुंच रहे हैं। आपसे भी निवेदन है रैली में पहुंचे और संयुक्त मोर्चा किसान नेताओं के विचार सुने। आगामी फैसला संयुक्त मोर्चा देगा, उसके ऊपर हमने अमल करना है, कार्रवाई करनी है। मंत्री संदीप सिंह खेल मंत्री जो हरियाणा सरकार को गिरफ्तार किया जाए, और पहलवानों की जो बेअदबी की जा रही है उसकी भी जांच की जाए, यही मांगे हमारी मुख्य है, बाकी संयुक्त मोर्चा ऐलान करेगा। रही बात जो गंडे की बात चल रही है, सारे मिलना का धरना दर्ज है, मार तो ये चूहा से लड़ाई लड़ रहे, बराबर में खड़े होकर लड़ जाएंगे, इस फैक्ट्री को तलने दे, लड़ाई लड़नी है, गंडा रेट लेना, इसमें अपनी शांति हो तो ठीक से भी 450 ही बात है, 450 ले लेंगे, बराबर में बैठ के ले लेंगे, ये फैक्ट्री है वो चालू करो, ये निर्णय भी लिया जाएगा। पूरी लीडरशिप उड़ा रही है भारत लेवल से, ये बात बात चल रही है, आगे मीटिंग में भी चले हैं, ये निर्णय फिर लिया जाए, बाद में लड़ाई बराबर में लड़ जाएगा, फैक्ट्री वो चालू करो, हमारी तो ये च्वाइस है।